वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम और साथ ही साथ 2024 के इस नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। कुल 15 दिन रह गए हैं 1 जनवरी 2024 आने में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा दोस्तों 2023 ये आप सभी के लिए काफी बेहतर रहा होगा, बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिली होगी। ये वीडियो इसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया। मैंने 2023 के जितनी भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिसका इम्पैक्ट अब और आने वाले टाइम पे हमारे लाइफ में पड़ने वाला है, इसी का रिकैप हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। इस भारत में इतने सारे कल्चर और डाइवर्सिफिकेशन के कारण जो पूरे साल में इतनी सारी फेस्टिवल्स मनाई जाती है, इसमें जो हमारा हैप्पी न्यू ईयर है, नए साल की भी शुरुआत अलग अलग रिलीजन से अलग अलग डेट पे करी जाती है। शुक्ल पक्ष के दिन कुछ लोग नए साल बनाते हैं, साथ ही में बैसाख के पहले मंथ में नए साल की उम्मीद करते हैं और ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से होता है। ये चीजें इसलिए बनाई गई कि जितने भी धर्म के लोग हैं अपने त्योहार को समय पे मना सके और इसके बेसिस पे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन लोगों का कैलेंडर भी बदल जाता है। इसी के कारण जो हमारा ये भारत है बड़ी डिफरेंट टाइप के अलग अलग त्योहारों से पूरे साल भरा पड़ा रहता है। वैसे तो दोस्तों ये भारत 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कई सारे ऐसे ऊंचे और नीचे पड़ाव से पार हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसका असर अब हमारे असल जिंदगी पे पड़ता है। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम एक बार फिर से इस पूरे साल के जितने भी इंसिडेंट है उसे रिमाइंड करें और एक बार याद रखें कि हमारे जो असल जिंदगी है इसमें कितना फर्क डालती है। बहुत सारे इमोशन और फीलिंग और बहुत बड़ा नंबर इस वीडियो में शेयर होगा, तो ये डरने वाली बात नहीं है। आराम से सीट की पेटी बांध लो और इस वीडियो के सफर में एटलीस्ट अंत तक टिकना, जिससे कि आपको ये वापस याद आ सके कि कैसे हमारा भारत फिर से एक नए राह पे निकल चुका है अब, जिससे आपकी जिंदगी और हमारे जिंदगी पे बहुत असर पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स कवर कर दूं जिससे जानना जरूरी है और बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बिना लेट किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब ये इमेजिन नहीं करेंगे दोस्तों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसे भी क्रॉस कर चुका होगा और इस भागती तेज दुनिया में हमारा भारत देश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। अराउंड 17.75% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का हिस्सा भारत अकेले है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2013 से लेके 2023 तक का डेटा अगर आप देखोगे तो इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है डिक्लाइन हुई है। ये लेफ्ट साइड के स्क्रीनशॉट पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा फर्टिलिटी रेट है अर्बन एरिया में वो 3% से 2% आ चुका है। हम लोग इस पूरे भागती तेज दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी आबादी कम हुई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जाती है 72.5 ईयर बोथ मेन एंड वोमेन। वैसे दोस्तों ये इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का वजन पूरी दुनिया झेल रहा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। वीडियो में हम लोग इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे अपने रोजगार से। डेटा के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड इन्हें रिलीज करी थी कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर जॉब सेक्टर में था तो वो प्राइवेट कंपनीज और अपने स्मॉल बिजनेसेस हैं। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमास इन सब में सबसे ज्यादा जॉब हमें देखने को मिला है। वैसे अगर सर्विस सेक्टर की ओर से देखोगे तो 7वें नंबर पे हमारा भारत सबसे आगे और इसके साथ महंगाई हर साल अपनी पूरी रफ्तार से। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सिर्फ एक फैक्टर पे इंक्लूडेड नहीं करता है, आगे मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली में जो ये हमारा टोटल इम्पैक्ट जो आज देखने को मिला, ये पीछे जितने भी टॉपिक में अभी बताने वाला हूँ इसका पूरा असर दिखेगा, इसीलिए आगे तक वीडियो में बने रहना। मैं जल्दी पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ। 12 जून 2023 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ट्वीट करके बताती हैं कि हमारे इंडिया की जीडीपी अब 3.75 ट्रिलियन टच कर रही है। खास रीजन ये भी है दोस्तों कि जितनी भी भारत के लोग बाहर के कंट्री में थे वो अपने देश वापस आ गए और उसके बाद काफी लोग वापस नहीं गए। कोविड-19 और भी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण लोग बाहर जाना सही नहीं समझे और स्मॉल बिजनेसेस के कारण हमारा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और इसी के साथ जो कोविड का टाइम रहा था हमारे भारत देश के लिए सबसे चैलेंजिंग था, पर सबसे ज्यादा डोजेस और रिकवर भारत में कोविड का हुआ था।
अब इस पर रिसर्च करते हुए दोस्तों मुझे भी काफ़ी खुशी हुई जान के, जब मैं गवर्नमेंट के वेबसाइट पर विजिट करा तो सरकार की तरफ से उनके वेबसाइट में भी काफ़ी सारे स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट जॉब दिए गए। या स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो labor.government.in की वेबसाइट में मैं विजिट करा था और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे जॉब मिले, जिससे कि एटलीस्ट कुछ तो फ़ायदा होगा। और ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में लंबे समय के बाद मैंने गवर्नमेंट के वेबसाइट को बढ़िया होते देखा है। वैसे गांव में ये हमेशा से रहा है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा सहायता और बाहर से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन अब भी है। और इस इकॉनमी वाले सेक्शन में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, यूट्यूब। आपको याद होता जब यूट्यूब ने अपना लास्ट टाइम रिपोर्ट पब्लिक करा था, तो उसमें इंडिया के क्रिएटर इकॉनमी, ये एक इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी कि यहाँ पे यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन 16,000 करोड़ का था। आप इमेजिन नहीं करोगे दोस्तों, ये इतनी बड़ी अमाउंट थी कि छोटे छोटे इंडिविजिबल, चाहे वो गांव था या फिर शहर था, इन लोगों में बड़ी हेल्प मिली। इस भागती और इतनी तेज दौड़ती इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में अगर दोस्तों हमें ये पता होगा कि हमें क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लोगों के जिसने समय से पहले बहुत कुछ अचीव करा। अभी हम लोग जल्दी ही एक सेक्शन पे मूव करेंगे, कंट्री कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल रिलेशन पे, जिससे पता चलेगा कि कैसे मेजर इन्फ्लुएंस होने के कारण हमारा असल लाइफ में कितना फर्क पड़ रहा है। इस सेक्शन को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, कि आपकी सोसाइटी, आपका इन्वायरमेंट और आप जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कंज्यूम कर रहे हैं, उसका फाइनल प्रोडक्ट आप बनोगे। तो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे अपडेटेड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इस इकॉनमी सेक्शन के बाद अगर देश में कोई सबसे बड़ा असर डाल रहा है, तो वो एक इंटरनेशनल रिलेशन है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2023 के टाइम तक कैसे ये एक देश दूसरे देश से पूरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह रहे हैं, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा एक दूसरे देश उठाते हैं। कंट्री कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल रिलेशन अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब ये अगर वॉर में टर्न हो जाए तो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलता है। इसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था रशिया यूक्रेन वॉर, कैसे 20 फरवरी 2024 के बीच में एक प्रो रशियन और यूक्रेनियन के बीच में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट 16 सितंबर 2023 को जाके फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई, जिसका असर एशिया और अफ्रीकन कंट्री पे पूरा पूरा पड़ा। वीट एक्सपोर्ट और ऑयल भारत में कितनी तेज़ी से बढ़ गए, और भी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इन लोगों से इनका रिलेशन टूटा। आपको याद होगा दोस्तों, जब रशियन यूक्रेनियन वॉर पूरी तेज पे था, तो भारत में कैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे और पूरा पूरा नुकसान हमारे जेब पे आके पड़ गया था। यूरोप में हो रहे ये रशियन और यूक्रेनियन वॉर में काफ़ी सारे लोग मारे भी गए, तो साथ ही में एशिया के देशों पे बहुत ज़्यादा असर इसके एनर्जी सेक्शंस पे डाला। यूक्रेनियन की वीट और रशियन का क्रूड ऑयल, इन सब से अपनी इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है। 2030 से 35 से 20 तक कैसे एशिया और अफ्रीकन कंट्री अब जाकर अपने डिफरेंट टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंड हो गई है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन गैस एमिशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे चुकी है। 2023 के एंड तक तो आपको काफ़ी सारे सोलर प्रोडक्ट इंडिया में देखने को मिल चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिक कार अब इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका असर इस वॉर के कारण बहुत ज़्यादा पड़ा इन सब देशों में। 85% ऑफ अफ्रीका जो वीट यूक्रेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, उनने भी अपनी डिपेंडेंसी हटानी शुरू कर दी है। इतनी बुरी चीज़ें हो जाने के बाद भी जब वॉर नॉर्मल हुई, लेकिन कहते हैं वही ना दोस्तों कि बर्दाश्त किसी को नहीं हो रहा, तो फाइनली यूक्रेनियन अभी भी अपनी वॉर की तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। ये बदले की आग अभी भी नहीं बुझी है यूक्रेनियन में, अभी करेंटली यूक्रेनियन एक ड्रोन वॉर की तैयार में है। इसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन जॉनी हैरिस ने अपने इस वीडियो पे करा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, और ये आप स्क्रीन पे छोटा सा सैंपल देख सकते हो। बेसिकली ये वॉर अभी भी अपनी पूरी रफ्तार फिर से पकड़ेगा। दूसरी और सबसे बड़ी वॉर चल रही है दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर 1980 से 1947 तक, जिस लोग जो माइग्रेट होकर पैलेस्टीन आए थे, और ये पैलेस्टीन के लोगों ने वहाँ के लोगों को काफ़ी फोर्स करा जेविस के लोगों को अपने जगह वापस छोड़ने के लिए, सिर्फ इस डर से कि जेविस का वो होमलैंड बन जाएगा। 1947 के बाद से ये फाइट हमेशा चलते आई है। अराउंड 19 सेंचुरीज में तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बन चुका था कि यहाँ के जितने भी जेविस लोग हैं, इन लोगों का अब होमलैंड भी बनने वाला है। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय तक चला। 2006 में जब ये पूरी तरीके से इस्लामिक गुरु हमास ने अपना पूरा कंट्रोल गाजा के ऊपर में ऑलमोस्ट 16 साल तक रखा, उस समय लिमिटेड फूड एनर्जी रिसोर्सेज में, सोचो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी रही होगी।
2016 के बाद से लेके अभी तक 23 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने पूरी तरीके से रॉकेट लॉन्चेस करे इजराइल के ऊपर, तो उसके उसी दिन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट जारी करा था इजराइल के ऊपर में कि वो ये वॉर को ना डिक्लेयर करे, बट फिर भी इजराइल ने एक कंप्लीट वॉर डिक्लेयर कर दिया गाजा के ऊपर में। और यहाँ पे गाजा के जितने भी आम सिविलियंस थे, इन लोगों की लाइफ आप इमेजिन नहीं करेंगे दोस्तों कितनी कॉन्फ्लिक्ट में थी। गाजा जो इस पूरे 16 साल से इस हमास टेररिज्म ग्रुप के अंदर में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, इस बार जाकर इसराइल की तरफ से इतने कॉन्फ्लिक्ट वॉर में मारे गए 14,000 बच्चे इस वॉर पे खत्म हो गए। यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल ने री मीटिंग अटेंड करी थी यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गाजा के लोग बुरी तरीके से फंस गए और इस चीज से बचने के लिए उन्होंने इजिप्ट की तरफ भागे, लेकिन इजिप्ट डर से इस रास्ते को ओपन नहीं करा। इस वॉर के दौरान पे दोस्तों इन जो सिविलियंस थे, इन लोगों को कोई नहीं पता है कि यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट, सरिया, इन सब के बीच में कितनी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है। वो गाजा के आम जनता जो अपनी साधारण जिंदगी से खुश हैं, ये देश के रिलेशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका भुगतान उन्हें चुकाना पड़ा। इस वीडियो में दोस्तों मरे हुए लोगों की संख्या में शेयर नहीं कर रहा हूँ, जिसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 70% सिविलियंस गाजा के आज भी डर से हैं। ये 2023 के सफर का सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा है। जरा सोच के देखना दोस्तों अपनी नजर से कि आपके आसपास पूरी तरीके से बम बारूद चल रही हो, आपकी जिंदगी कैसी होगी। एशिया के अंदर में मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री चाइना इस बार फिर अपना मैप रिलीज कर दिया है। इस बार के मैप में साइचिन, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया अपने मैप में कवर हो गया। चाइना के नेचुरल रिसोर्सेज ने जो मैप रिलीज करा उसके बेसिस पे अब ये एरिया साइचिन का चाइना कंट्रोल करता है, जो इंडिया के अंदर में आता है। साथ ही चाइना क्लेम करता है अपने मैप में कि ताइवान उसके अंडर में है, साउथ चाइना सी भी अब चाइना कंट्रोल करेगा। इसका कॉन्फ्लिक्ट अब आने वाले टाइम पे हम देखेंगे 2024 में। इंडिया अभी भी इस मैप को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहा है। वैसे ताइवान की भी तरफ से इस मैप को कम्प्लीटली रिजेक्ट करने की बात आई है, आगे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में अब चाइना के साथ इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे क्या होने वाला है, क्योंकि बेसिकली लास्ट टाइम पे भी जो चाइना था वो भी काफ़ी सारे अपने मिलिट्री कैंप बना रहा है, और इंडिया उत्तराखंड के टनल से उस पर भी काफ़ी सारा काम चल रहा है सिर्फ इस चीज़ को कवर करने के लिए। अगर आप मैप में नजर डालोगे तो फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इंडिया, ये सब चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका डिस्कशन आने वाले टाइम पे होगा। वैसे अगर आपको याद हो तो G20 समिशन में चाइना नहीं था, उसके कुछ ही दिन के बाद ये चाइना ने अपना मैप रिलीज करा था। अभी जब ये पॉइंट में कवर कर रहा हूँ दोस्तों, इस टाइम तक लिबिया, साउथर्न सूडान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, सरिया अभी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये देश अभी भी वॉर पे है। तो अब इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि ये 2023 की जर्नी में कितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसका असर कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरी तरीके से कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो हमारे भारत देश में मल्टी रिलीजन की खूबसूरती डिस्ट्रॉय हुई। मणिपुर, बर्मी, इतने लंबे समय से चलता आ रहा दो रिलीजन और कास्ट में सेम जगह पे रहने वाले लोगों के बीच में लैंड और रिलीजन को लेके इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसका 2023 में बहुत बुरा असर पड़ा। ये लंबे समय के वॉर में पॉलिटिशियन, वहाँ के मिलिट्री और वहाँ के सिविलियंस दो ग्रुप में बढ़ गए। मिथी कम्युनिटीज़ का ये कहना था दोस्तों कि जो लैंड रिवेंज एक्ट है 1960 और प्रोटेक्शन एक्ट 371C, क्योंकि इस एक्ट के बेसिस पे एक्चुअली में कुकी कम्युनिटीज़ के लोगों के लैंड उनके बिना परमिशंस के लोग नहीं खरीद सकते, नहीं तो इसे दूसरी और ST स्टेटस दिया जाए, जिससे कि ये एटलीस्ट वहाँ पे अपनी नौकरी पा सके। इस पॉइंट तक दोस्तों बात और कॉन्फ्लिक्ट इतनी पॉइंट तक पहुँची हुई है कि अभी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, इस बात को लेके कि जो मीटी कम्युनिटीज़ है इसे ST का स्टेटस अभी दिया जाए या नहीं। करंट सिचुएशन के बेसिस पे अभी भी मणिपुर पूरी तरीके से साइलेंट नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हर रोज़ निकलते आ रहे हैं, जिसे आप बाय द न्यूज़ देख सकते हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि दोस्तों की 2024 में आखिर इतने बड़े रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट का कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। इस साल के खत्म होते होते दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फिर से एंट्री मारी थी, इंडिया वर्सेस भारत, जो हमारे हिस्ट्री
पॉलिटिकल और नेशनल आइडेंटिटी को ठोस पहुंचा सकते थे। इस पॉइंट में इंडिया वर्सेस भारत के कंफ्यूजन को लेकर तब शुरू हुई जब हमारी सरकार ने G20 सबमिशंस में इंडिया के जगह भारत का नाम रखा। एक्चुअली में इस पॉइंट को लेकर हर लोगों ने अपने अपने व्यूज रखे और हमारी और आपकी भी व्यूज अलग हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो इंडिया है ये ब्रिटिश टाइम से है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे लिखा गया है ये एक्चुअली में पहले भी सही था और आज भी सही है। इंडिया दैट इज भारत ये बेहतर है। इंडिया वर्ड जो है इसका जो हमारा फायदा काफी लंबे समय से हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल रेपुटेशन, और जो हमारे आम जिंदगी में इंडिया वर्ड यूज करते हैं, हमारे जनरल लाइफ में हम लोग कहीं भी इंडिया डायरेक्ट यूज करते हैं, इसे बदलने में बड़ा समय लगेगा। इंडिया नाम होने से ही पूरे वर्ल्ड में एक अलग रेपुटेशन है। हाँ, भारत एक अच्छी चीज़ है जब हम अपने भारत देश के अंदर में बात करते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ना ये कम है ना ये ज़्यादा है। एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, एक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे और अपने देश के ही अंदर में इंडिया एक बेहतर नाम है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2014, 2016 और 2020 में इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करा था कि ये नाम पहले भारत और बाद में इंडिया नहीं होगा, जो आज भी चल रहा है। इस पॉइंट को कवर करते हुए दोस्तों मैं आपसे जरूर ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एक्चुअल में आप क्या सजेस्ट करते हैं इस इंडिया वर्सेस भारत के पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ पॉइंट जो हमने भी छोड़े हैं दोस्तों, जैसे खालिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और जितने भी रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश के अंदर में अभी चल रहे हैं, ये देश को बड़ा वीक बनाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी यूनियन पावर्स हैं, इन लोगों के बीच में जो टेरिटरी साइन है, ये एक टाइप का फॉल्स हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि वॉर इज अ पीस। शांति के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड वार टू के बाद खूब सारे ट्रीटी साइन करे, लेकिन स्थिति आज भी कहीं ना कहीं उससे कम नहीं है। मेरा कहने का और पॉइंट समअप करने का मतलब यही है दोस्तों कि जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रहा है और चलता रहेगा, चाहे वो लैंड के लिए हो, चाहे वो रिलीजन्स के लिए हो, चाहे वो लोगों के बीच में किसी भी बेसिक टाइप की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अब ये उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम पे इस कंट्री कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में अच्छी वीडियोस में लाऊंगा, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने देश के बड़े अचीवमेंट पे एक बार बढ़िया से नज़र डालते हैं। इंडिया की इतनी बढ़ती और फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए दोस्तों, जब 1 अगस्त 2022 में भारत को G20 प्रेसिडेंस के लिए एज्यूम किया गया, अच्छी बात इस चीज की है दोस्तों कि अब इंडिया एक ग्लोबल साउथ पे बड़ी वॉइस बन चुकी है। मेजर फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में इंडिया का भी हाथ होगा। इस G20 प्रेसिडेंसी से पहले हमारी सरकार ने साफ साफ क्लियर कर दी थी कि वो वन फैमिली वन फ्यूचर और वन लाइफ के ऊपर में ध्यान देंगे। इस अमृत काल के टाइम पे जो हमारी सरकार का डिसीजन था वो इसी के इर्द गिर्द कहीं था। इस बार साफ साफ क्लियर दिखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और एक्चुअली में ये हो भी रहा है। चलिए एक बार एक एक बार इस सेक्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। जब हमने ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर पे रिसर्च करी, जो प्रोजेक्ट्स हमें इंटरनेट पे मिले उसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी, वेस्ट एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और भी ऐसे कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट 5 साल से भी ज़्यादा गवर्नमेंट के चलाए जा चुके हैं, जो अभी करेंटली रन कर रहे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये IIT, MITs और NITs जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे चलाए जा रहे हैं, जिसकी रिसर्च अभी चल रही है। इसका असर अब हमको आगे आने वाले 5 साल में देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी दोस्तों 16 सितंबर 2023 को 128 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुई लोकसभा में। ये बिल था दोस्तों 1/3 सीट्स वोमेन के लिए और ये फाइनली जाके कंप्लीट हो गया और इसका फ़ायदा अब हमें पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में देखने को मिलेगा और भी बेहतर डिसीजन लेंगे इतनी बढ़ती हुई आबादी को हैंडल करने के लिए। इसका बड़ा फ़ायदा तभी देखने को मिलने वाला है जब हर एक लोगों को इसकी रियल वैल्यू का पता होगा, हर लोग एक्चुअली में वोमेंस और मेन की बराबर वैल्यू करेंगे। अभी तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं, आने वाले टाइम पे 24, 25, 26 के टाइम तक हमें एक बेहतर आउटपुट चारों तरफ से देखने को मिलेगा, हमारे जनरल जिंदगी में असर डालेगी ये चीज़। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ तो इंडिया के इतिहास रचने वाले सबसे इनमार्केबल रिजल्ट मून लैंडिंग फाइनली
चंद्रयान 3 ने जब पहली बार मून पे अपना पहला कदम रखा तो पूरा भारत देश यूट्यूब पे 8 करोड़ से ज्यादा लोग 80 मिलियन व्यूज तो यूट्यूब में सिर्फ उस समय थे, ट्विटर में 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस चीज को देख रहे थे। हमारी सरकार, जनता और पूरा देश इस चीज की शाबाशी दे रही थी कि आखिर में फाइनली भारत एक चौथा देश बन ही गया चांद पे पहुंचने वाला। इसका ये तो फायदा है कि जो हम लोगों ने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी, इससे हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही है सैटेलाइट से, इसका बेहतरीन आउटपुट आप आने वाले समय पे देखने को मिलने वाला है। हमारी लाइफस्टाइल और स्पीड बेहतर करेक्ट होने वाली है। कुछ ही दिन के बाद आदित्य L1 सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए निकल चुका है, ये अभी अपने काम पे जुटा हुआ है। आने वाले टाइम पे हम लोग इसकी बात करते हुए देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। It a proud moment for India's space journey and big achievement for ISRO as India's first sun mission as Aditya L1 has hit an important milestone. एक यूनिक चीज है जो मैंने आपको बताना भूल ही गया, UPI इनने तो इनमार्केबल रिजल्ट निकाल रखी है। हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया है कि हाईली डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज जैसे जापान हाई टेक्नोलॉजी कंट्री में अब जाके इंट्रोड्यूस हो रही है, जिससे इंडियन ट्रैवलर्स को बड़ा फायदा होने वाला। ऑलमोस्ट ये और भी कंट्रीज में धीरे धीरे अब बढ़ रही है, UPI इंडिया से इंटरनेशनली फैल रहा है। इसका फायदा दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले लोगों को होने वाला, एक सीमलेस ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे। मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर में भी काफ़ी एक बढ़िया वीडियो बनाया था जो मेरा ये लास्ट वीडियो है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं क्यों ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे नज़र डालते हुए। इस वीडियो के बाद आप वो जाके जरूर देखें। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी रह रही हैं जिसे मुझे याद दिलाना है। हमारे एक दिन का त्यौहार इंडिया का क्रिकेट, जिसे पूरा देश खुशी से मनाता है, अफसोस के साथ इस 2023 का वर्ल्ड कप हम हार गए, लेकिन उम्मीद है कि ये टीम फिर से बनी हुई रहेगी और आने वाले वर्ल्ड कप में हम इसी जोश और जुनून के साथ फिर से वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद करेंगे। ODI के डेटा के अकॉर्डिंग अफसोस की बात इस चीज़ की है कि विराट कोहली, मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा हाई एज होने के कारण 2024 के वर्ल्ड कप में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल ये भी है कि विराट कोहली के फिटनेस के बेसिस पे हो सकता वो देखने को मिले। मेरी तो यही उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले वर्ल्ड कप में ताकत डबल होगी और हाँ, इस बार का आने वाला वर्ल्ड कप हमारा होगा। मैं आपको एक बार और रिमाइंड दिलाना चाहूँगा, हमारे भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड द एलिफेंट और ट्रिपल के नाचो नाचो वाला सॉन्ग याद हो तो उनने हमारे देश के लिए ऑस्कर अवार्ड ले आया है। और जितने भी बॉलीवुड मूवीज हैं इन सब में सबसे इनक्रेडिबल मूवी रहा, आप जाके एक बार जरूर देखना द एलिफेंट। बहुत अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एनिमल्स के साथ रही है, वो मूवी देखने को मिलेगी। लास्ट सेक्शन में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सच में ये वीडियो इतना इनफ नहीं है कि जितनी चीज़ें हो रखी है वो कवर हो सके। मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो में छोड़ दी है, बट आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके मैं समझा दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो को और बेहतर अच्छे तरीके से बनाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, G20 सबमिशन में अपना क्या फ़ायदा हुआ, कंट्री कॉन्फ्लिक्ट और देश के बिजनेसेस, माइक्रो बिजनेसेस, जितनी भी हमारी जनरल लाइफ की चीज़ें, इससे क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है। आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली इस चैनल पे देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे नंबर ऑफ डेज कवर नहीं करे थे, वो इसलिए नहीं करे दोस्तों क्योंकि हर रोज़ जितनी भी चीज़ें हो रही है इसका कोई करेंट और एक्यूरेट डेटा हमारे पास नहीं है। हम इतना कन्फर्म नहीं हो सकते कि कितने लोग अभी अपनी लाइफ लॉस कर चुके हैं किस कारण। जब मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन चेक करा था तो हर एक सेकेंड लोग जन्म ले रहे थे। इस वीडियो को बनाने से पहले पता ही नहीं कितने लोग अब और बढ़ गए होंगे और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करेक्ट और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना मैं एक बेहतर डिसीजन मानता हूँ, इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया और जो नंबर दिया वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का दिया। इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा ट्रस्ट वीडियोज़ पर होना मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा दोस्तों कि आने वाले वीडियोज़ ज़्यादा रिलीवेंट, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा बेहतर हो समझने के लिए। इस चैनल से भी आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये वीडियो और भी बेहतर और बढ़िया होगा और रीजन आप सब्सक्राइब करने का समझ सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे भी इस जर्नी में, पूरे एक साल की जर्नी में मैंने अपना सारा मेहनत इस वीडियो में लगा दिया। एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, शूटिंग, रिसर्चिंग, सब कुछ एक जॉब करने के साथ साथ मैं इस वीडियो के साथ करता हूँ। उम्मीद करूँगा आपको ये मेरा मेहनत पसंद आया होगा
आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये चैनल और भी बेहतर लोगों तक पहुंच सके। अपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो में आपको कैसा लगा और क्या इंक्लूड करना चाहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में अभी के लिए आपसे अलविदा लूँगा और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ 2024 के इस नए साल में। मैं अगली वीडियोस में इस नए साल में ही आपसे मिलूंगा। उम्मीद करूंगा आपका ये साल, आने वाला साल काफ़ी बेहतरीन जाए। तब तक के लिए इस वीडियो से मुझे अलविदा कीजिए। धन्यवाद।